a man covers a certain distance on a scooter, had he moved 3 km/h faster, अगर वो क्या होता, अगर वो 3 km/h तेज चलता तो वो क्या होता, 40 मिनट लेट पहुंचता। तो हम क्या बोलेंगे कि 40 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/60, मतलब कितना हो गया, 2/3 आवर। ठीक है, मतलब एक आदमी जब अपने स्पीड को 3 km/h से बढ़ाता है तब वो ऑफिस क्या 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड को हम कितना से बढ़ा दिए, +3, तो टाइम कितना हो गया, -2/3। स्पीड को हम कितना से बढ़ा दिए, +3, तो टाइम कितना हो गया, -2/3। अब मल्टीप्ल इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा मेथड क्या है भाई, मेरा मेथड ये है कि ऐसे ऐसे और ऐसे, और ऐसे में क्या रखना है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, -2/3s + 3t बराबर 3 × 2/3। ठीक है, उसके बाद स्पीड है और क्या है, टाइम। फिर वो क्या करता है, अपने स्पीड को क्या बोलता है कि इफ ही हैड मूव 2 km/h स्लोअर, अगर वो 2 km/h स्लो चलता तो वो 40 मिनट क्या लेता, अधिक। तो यहां पे टाइम किस में, आवर में, तो यहां पे टाइम किस में लेंगे, आवर में लेंगे, तो कितना हो जाएगा, +2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, +2/3। अब ऐसे ऐसे और ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे, 2/3s - 2t बराबर कितना, 4/3। तो दो इक्वेशन हो गया, एक दिस और एक दिस। दो इक्वेशन हो गया, एक क्या हो गया, एक ये वाला हो गया कि -2/3s + 3t = 2, और दूसरा क्या हो गया, 2/3s - 2t = कितना, 4/3। अब जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -2/3s + 3t = 2 और 2/3s - 2t = 4/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 10/3 आवर, 10/3 घंटा। ठीक है, अब जब हम स्पीड का अगर बात करते हैं, किसका बात करते हैं, स्पीड का, तो स्पीड क्या हो जाएगा, -2/3s + 3 × 10/3 = 2। अब काट देंगे तो -2/3s = -8 और इसको हम काट देंगे तो कितना हो गया, 4। तो स्पीड कितना हो गया, 4 × 12 किलोमीटर/आवर। तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड और ये हो गया टाइम। तो हम किसका बात करेंगे, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 12 × 10/3। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर।